तो देखिए जो हमारे पहाड़ के जो बुखड़े होते हैं ना चूड़ा, तो इनके द्वारा ये बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो देखिए कुछ इस तरह से कूटे जाते हैं बुखड़े, जो धान भिगा के रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। ये देखिए बाल्टी में रखे हुए हैं। तो बुखड़ा कूटने के बाद ना कुछ इस तरह से होते हैं। ये सूप है, तो ये सूप में देख सकते हैं बिल्कुल सफेद, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यार इनको, चूड़ा। चूड़ा तो आप लोगों ने जॉन जॉन सार का एक गीत सुना होगा, कौन सा आता तो नहीं है मुझे, लेकिन दो लाइन सुनाती हूँ उसको, ठीक है। तो जो ये बुखड़ा चूड़ा कूट रहे हैं ना, तो उसी पे ये गीत है। तो काफी प्यारा गीत है, मुझे तो नहीं आता है जॉन सार वाला गीत, लेकिन दो लाइन आते हैं सिर्फ, ठीक है। ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, रात के सरूल जी जा, ले बोजी जालाल चूड़ा। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संध्या राणा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी सेहत से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं हमेशा की तरह अपने प्यारे से गाँव जगोर से और अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी सुबह की 7 बज चुकी है और 7 बजे जाना होता है मेरा खेतों में सूखी घास काटने के लिए हमेशा की तरह। तो आज भी जा रही हूँ मैं घट में ऊल काटने। तो अभी जो सखी से ले आए वो आई नहीं और मैं आगे आ गई, रास्ते में सड़क में आ चुकी हूँ और उनका वेट कर रही हूँ मैं यही सड़क के किनारे पे। और अभी देखिए गांव में कहीं धूप आने का नामो निशान नहीं है और आजकल पहाड़ों में ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग गया है, तो इसीलिए जैकेट पहन के जाना पड़ रहा है। और ऊपर से वहाँ ना इतने सारे कुम्मर लग रहे हैं ना, घर आके कपड़ों को फेंकना पड़ रहा है, हमेशा अलग अलग ड्रेस चेंज करने पड़ रहे हैं यहाँ, क्या करें। तो यहीं पे मैं उसका इंतज़ार करती हूँ, तो अभी आ रही होगी। और ये देखिए ये थैला और ये डंडा, तो थैला काफ़ी भारी है यार, पानी की बोतल रस्सी द्रांती सब इसी में रखे हुए हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ लटका मैं इनको, इसीलिए एक थैले पे रख के जाना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए हमारे गांव के नीचे जो गांव के नीचे जो सारे है पूरे खाले है, और इधर अभी गेहूँ भू रखे ना, तो छोटे छोटे गेहूँ आ रखे हैं। और जो सामने वाले सारे दिखाई दे रहे हैं वो है मंडवा की सारी, और मेरे पीछे देख सकते हैं मंडगो गांव के ऊपर आ चुकी है धूप, तो यहाँ तो काफ़ी लेट में आती है। और आज आसमान भी देखिए कुछ इस तरह से हो रखा है बदला बदला सा, तो इस बदले मौसम में कुछ और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और हाथ देखिए ठंड से पूरे सिकुड़ गए हैं, क्या करें। तो चलो अभी उनका इंतज़ार मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और हमारे पहाड़ों में ना इतनी सुबह लोग खेतों में जा रहे हैं और कुछ कुछ लोग जंगल जाने जा रहे हैं, जो गांव के महिलाएँ होते ना तो अपने चारा के लिए वो जंगलों में जाने बैठ गए इतनी सुबह। और ये देखिए ये सामने से है गांव और यहाँ ऊपर है हमारे गांव की पूरी गौशालाएँ, जो कि आजकल हरे भरे पेड़ पौधों से ना दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ठीक गौशाला के ऊपर देख सकते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा जंगल है, और इन्हीं जंगलों में जाते हैं हमारे पहाड़ की बेटी बुआरी घास के लिए। तो जो मेरे साथ की महिलाएं थी वो तो आई नहीं अभी, और मैंने सोचा यार तब तक मैं आगे चले जाती हूँ, उनके आने से पहले मैं कम से कम 2-4 पुल्ली तो निकाल ही दूंगी। और यहाँ देखिए पूरे बंजर खेत हैं, कुम्मर हो रखे हैं यहाँ, और अभी ये भी साफ करना है और अपने पीठ पर के लिए घास की भारी बीरड़ी करनी है हमने। तो सोचा जब तक वो आते हैं तब तक मैं 2-4 पुल्ली घास के निकाल ही दूंगी। और काफ़ी ऊपर हम लोगों को जाना है और अकेले अकेले आ रखी हूँ मैं इस सुनसान जगह पे, और इधर तो भालू और बाघ का डर भी है, यहाँ नीचे से देख सकते हैं पूरी झाड़ी झाड़ी है। तो क्या करें यार, मजबूरी में आना ही पड़ता है इतनी दूर। तो अभी धूप आएगी तो घर जाते जाते धूप हो जाती है, फिर धूप में जाने का मन भी नहीं करता है और घास निकालने का मन भी नहीं करता है, तो इसीलिए मैं आगे आ गई हूँ। और चलो अभी मैं घास निकालती हूँ और उनके आने के बाद बनाऊंगी मैं ब्लॉग। ये देखिए आज ये भी आ रहे हैं मेरे साथ, आज कंडू ले आए कंडा पके ले आ,
कना गास चार जोड़े ले आने दो दी पोड़े देर में कन गया ना लोड़े स्कूल चल गया ना रे तो सास दी भी आ गए हैं हैं ये ना ये ना क्या सुथरू ना तब ओरे सांता शाम को भी देखो चलने तब कौन सी मैं पुंगड़ा मगर हाँ निकालना है हमने यहाँ पे घास और सासू जी जा रहे हैं खेत नीचे पहनवाण में तो आज ये वाला खेत ना हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा काटा और ये अब हम भारी लगाने बैठ गए हैं तो घास हो गया है हमारे पास और सारे खेत में ना ऐसे आड़े बना के रखे हैं हमने जलाने के लिए और ये मेरी भारी रेडी हो गई है अब भारी लगा के देखते हैं कैसे हो रहा है बोले ऐसे ना देखे हुए उलट पुलट क्यों किया तो अभी शाम को जा रही हूँ मैं गांव में और काफ़ी दिनों बाद गांव में जाने का मौका मिल रहा है और तो आओ दिखाती हूँ मैं कहाँ मुझे जाना है हमारे घर के पीछे जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है ना तो ये जाता है ऊपर गांव में तो वहीं मुझे जाना है दीदी जी के घर में और यहाँ से देखिए मेरे पीछे जो हमारा खूबसूरत प्यारा सा जंगल दिखाई दे रहा है ना कितना मनमोहक जंगल है ना पूरा चारों ओर हरा भरा हुआ है और हमारे गांव में बन रहा है पानी का टैंक गांव के सबसे ऊपर फ्रंट पे और यहाँ पे ये देखे लेबर लगे हुए हैं तो ऐसे सिर पे बांध के लेके जा रहे पीठ में कंक्रीट के कट्टे तो काफी चढ़ाई जाना है हमारे घर से और हमारा घर के रह गया है नीचे और गांव से अपने घर से सीधे ऊपर जाना है ऐसे सीढ़ी चढ़ के और यहाँ पे देखे जो राय है ना राय के प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं और जाग से काफी ऊपर तक हमारे गांव के लोग बसे हुए हैं इससे भी काफी ऊपर और मुझे जाना है इस रास्ते से बीचों बीच होते हुए सीधे ऊपर तो जब गांव में कुछ खास कार्य रहता ना तभी मुझे यहाँ जाना होता है नहीं तो यहाँ ऊपर आने का मन ही नहीं करता है पता नहीं क्यों तो इधर जाना है हमको सखी के घर आज इसने यहाँ पे धुआं ही लगा दी है ये देखे जाटू लगन तुम होता है आगे टिपा आग था अपना तो देखे जो हमारे पहाड़ के जो बुखड़े होते ना चूड़ा तो इनके द्वारा ये बनाए जा रहे हैं यहाँ पे ये देखे तो हमारे जेठ जी खरवाल रहे हैं बुखने कौ गेंद तेरा से फूटा अरे देखे मेरे जो छनछता हस्बैंड जी भूज रहे हैं मैं कोड़ रही हूँ हाँ यार भयंकर है यार आप लोगों की जोड़ी भयंकर तो देखे कुछ इस तरह से कूटे जाते हैं बुखने जो धान भिगा के रखे हैं इन्होंने यहाँ पे ये देखे बाल्टी में रखे हुए हैं फिर ऐसे टोकरे में रखा जाता है और फिर ऐसे बुना जाता है अंगीठी में मैं बना रही हूँ अपनी बुल्ली के लिए बुखड़े बुल्ली के लिए बना रही हूँ तो ऐसे होता है पहाड़ों में अगर किसी के रिश्तेदारी में अगर देने के लिए पता ऐसे कुछ खास चीज दी जाती है ये देखे और ऐसे होते हैं हमारी पहाड़ी उखली पत्थर की बनी हुई होती है और जिसे कूटते हैं ना ये गिंजाली है ये देखे संदीता वेले संदी जी भी खुश हो जाएंगे वे संदी और बुखना लेके आ गई हाँ संदी उनको खान बुखना रे रामा दाँत संध्या कब आ जाने दे रहा तुम अब जो 15-16 तारीख दाँत देखे अच्छा तू भी लिखो तो देरा दो दांत लोगो ना था बोना छन तो तो वे के ले था के आओ वाले दांत लोगो ना वाले हां से पटना कहने छन ये तो अगर संदीप वीडियो देख रहा है रे संदीप देख ले तुम्हारे घर पे जा रखे और दीपा दीदी भी अपने घर को देख ले और यहाँ पे बुखड़े बोझ रहे हैं आपके देवर देवर जीवन तुझे भी खाना है बुखड़े तो घर आ जा ऐसे फिर मैं कुछ नहीं मिलता रे घर आ जा जल्दी से देवर जी जिंदाबाद है देवरानी भी जिंदाबाद है और दीदी जी भी आ गए बुखने कूटने
तो मैं आ रखी हूँ वीडियो बनाने और ये आ रखे है कूटने लेना। तो इसको भी मिलेंगे, मेरे को भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे तो छह में इसने बताया भी नहीं, हमारे घर में छह में लगी है। ये देखे काफी टेस्टी होते हैं ना खाने में। छह में और जो बुखड़े कूटते हैं ना वो घिर रहे हैं ओखली में, और हम जा रहे हैं अब छटोनो लेने। तो छटोनो किसको बोलते हैं ये भी बताते हैं। तो इधर जा रही मैं, यहाँ पे अगर कोई घर पे होंगे तो छटोनो मांगती हूँ। अरे का छटोन दिया बल। तो हाँ, हमारे घर से ये ऊपर वाले घर कोई भी दिखाई नहीं देते हैं। तो आज देख लीजिए, हमारे घर से जो सबसे फ्रंट वाले मकान है तो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, और यहाँ सामने पे देखिए ये भी है काफी पुराना मकान। तो देखिए ऐसे ऐसे दरवाजे होते हैं हमारे पहाड़ के। ये देखिए ये है खोली, और अभी खोली वाली जो रास्ता है ना इधर ताला लगा हुआ है, और इस तरह से लोहे का जो सांगलू बोलते हैं इसको, सांगल तो ऐसे लगाए जाते हैं। देखिए तो ये देखिए बाल्टी तोड़ रखे ना बाल्टी से भी नहीं, तो बाल्टी का कुछ इस तरह से छटोनो बनाया जाता है। और ऐसे रखते हैं ना ओखली में इसको, फिर जाके धान बुखड़ा मनवा जो भी कूटेंगे ना वो घिरेगा नहीं। तो आप लोगों ने जो जॉन सार का एक गीत सुना होगा, कौन सा आता तो नहीं है मुझे, लेकिन दो लाइन सुनाती हूँ उसको, ठीक है। तो जो ये बुखड़ा चूड़ा कूट रहे हैं ना, तो उसी पे ये गीत है। तो काफी प्यारा गीत है, मुझे तो नहीं आता है जॉन सार वाला गीत, लेकिन दो लाइन आते हैं सिर्फ, ठीक है। ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, रात को सरूल जी जा, बोले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा, ले बोजी जालाल चूड़ा। बुखड़ा कूटने के बाद ना कुछ इस तरह से होते हैं। ये सूप है, तो ये सूप में देख सकते हैं बिल्कुल सफेद, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं यार इनको, चूड़ा चूड़ा बनाना। तो देखे ये है हमारे पहाड़ी चूड़े। खाने में अगर इसमें तिल और चीनी मिलाए जाए ना, इसका स्वाद चार गुना ज्यादा बढ़ जाता है थोड़ा सा। सुंदर। अरे अभी ना देश प्रदेश वालों के मुंह में ना ये बुखड़ों को देख के यार लाल आ रहा होगा। अरे ये तो है पहाड़ियों की गलती, अच्छे खासे अपने पहाड़ को छोड़ के पलायन कर रखे हैं आप लोग ना, गांव छोड़ के जा रखे हैं। तो जब बुखड़ा कूट रहे होंगे, जो घर के चीज है मतलब जो भी पहाड़ी रसायन होते हैं उनमें, जो हमारे पहाड़ में मतलब अब तो काफी कम लोग बना रहे हैं इनको, है ना।
तो कुछ कुछ लोग ये हैं अभी भी इनको बना रहे हैं, जो अपनी पुरानी यादें हैं उनको ताजा कर रहे हैं। लेकिन जब दीपावली आती थी ना, तो हम पहाड़ियों की एक पहचान होती थी दीपावली के दिन। दीपावली के दिन क्या करते थे, सुबह भुखना बनाते थे ऐसे ओखली में, तो पता चल जाता था यार दीपावली आ गए पटाखे, उसे इतना वो नहीं रहता था। सुबह सुबह जो शुरुआत होती थी दीपावली की, तो ये भुखना बनाने से होती है थी। लेकिन अब तो कोई लोग नहीं बना रहे हैं दीपावली के दिन भुखने, नहीं दीदी कोई तो हम बना रहे हैं। जिसका मन कर रहा है वो बना रहे हैं, जिसको खाने का शौक है वो लोग बना रहे हैं। लेकिन जो अभी बाहर प्लेन्स में होंगे ना, सच में यार उनके मुंह में ना इसको देख के लाल छूट रहा होगा, मन कर रहा होगा उनका, काश हमारे भी होते घर में बले बुले, हमको हमको भी देते। क्यों देना है किसी को, अपने आप तो पुंगड़ी पटाई बांध छोड़ के जा रखे हैं परदेश में। सही बोला। तो कोई बात नहीं यार, आप लोगों के लिए भी थोड़ा थोड़ा बुजाड़ी रखेंगे। आप लोग कमेंट करेगा, अगर कमेंट करेंगे तो उन्हीं लोगों को भुखने दिए जाएंगे, बाकी किसी को नहीं दिए जाएंगे। बताना कमेंट में जरूर कि किसको चाहिए भुखना, लाइक करना, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पहाड़ के मर्द होते हैं ना, वो महिलाओं की तरह काम करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो मर्दों के जैसे काम करते हैं, मतलब ऐसे कठोर परिश्रम करते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास ना थोड़ा महिलाओं की कमी हो गई थी, इसलिए हमारे जो भी हमारा साथ दे रहे हैं, जो कि चुगड़े में अभी बोकड़े भूल रहे हैं, काफी अच्छे भी लग रहे हैं। ऐसे बैठे रहते तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते, तो अभी चुगड़े पे इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ना जो ये भूसा को अलग करते हैं, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ फटगना है। अब इसको ऐसे ऐसे फटकते हैं ना इसको, फिर बोलते हैं अब इसको फटकना है। तो कैसे फटकते हैं आप लोग, आप लोगों को भी दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से फटकते हैं इनको, तो भूसा अलग किया जाता है पूरा, ये देखिए। और ये है बल हमारे लिए, एक कैमरामैन को, एक कैमरामैन को और दो कुटारों को। कूटने वाले हैं यहाँ पे हेमा सीमा और दीदी। हेमा सीमा मंजू हाँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाते हैं ये साफ। तिल भी डाल ये माँ, तिल मिला के सीमा दीदी लाएगी ना। ये देखिए हमारा गवर्नमेंट तिल, ये माँ हमारे खाते कर देना अखोड़ा ना कूड़ी था अखोड़ा ऐसा बड़े टेस्ट होता अखोड़े। हाँ ये माँ नया तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसे लगा आप लोगों को, आशा करती हूँ कि जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।